आप सुनते होंगे हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि हमें ग्रेट रिसेट करना है। अब जो ग्रेट रिसेट का जो कहानी है, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आया, जब एक रिसेट हुआ, दुनिया ने अपने आप को सेट किया, दोबारा पटरी पर आई, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो वांगडुंग सम्मेलन हो गया, फिर यूनाइटेड नेशन आया प्रकाश में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया प्रकाश में, बहुत सारे इस प्रकार के कोऑपरेटिव एसोसिएशंस बने विभिन्न देशों के, दुनिया भर के देशों के, और वो एक सेट था, एक सेट ऑफ कंडक्ट था, जिसके माध्यम से उसको आप रीसेट कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर में सब कुछ जब तहस नहस हो गया था, दुनिया ध्रुवीकरण में थी, उसके बाद ही हालांकि कोल्ड वॉर शुरू हुआ, लेकिन लोगों को आपस में देशों के कोऑपरेशन के लिए कोऑपरेटिंग एजेंसीज बनी, वो सेट था। और अब ग्रेट रीसेट आ रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसी टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर रहा है कौन, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनोवेट कर रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कौन दिशा दे रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दिशा दे रहा है रॉकफेलर फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, रॉथशिल्ड फैमिली। फाइनेंस, तकनीक, खेती, एग्रीकल्चर और हेल्थ, एजुकेशन, सब पे इन एजेंसियों का कब्जा है। और कब्जा कैसे कर रहे हैं, जो एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जरिए ये कब्जा कर रहे हैं। जो ये पढ़ाना चाहते हैं वही पढ़ेंगे आप, जो ये खिलाना चाहते हैं वही खाएंगे आप, जो दवा देना चाहते हैं वही लेंगे आप। और इसीलिए अब इन्होंने नया ड्रामा क्या शुरू किया, नया ड्रामा शुरू हो गया है कि अब तकनीक के जरिए ये कहा जाएगा। अभी तो किसान के बारे में कहा गया कि हम किसानों की स्थिति को बेहतर करना चाहते थे, हुआ कुछ नहीं क्योंकि मामला उल्टा पड़ गया, किसान समझ गए थे, अब कैसे समझे नहीं समझे ये अलग बात है, ये भारत की भूमि में है, भारत की मिट्टी में है, उन्होंने विद्रोह कर दिया तो उनको वापस जाना पड़ा। अब ये नया नारा जो हुआ है, ये जो डिजिटल, मैं बहुत सारे दिल्ली के माफिया को जानता हूं, जो डिजिटल ट्रांजेक्शंस के लिए पूरा खेल हुआ। आपको थोड़ा पर्दे के पीछे ले जाते हैं इतिहास में, ये डीमोनेटाइजेशन की कहानी क्या थी, डीमोनेटाइजेशन की कहानी यही थी, ये स्क्रिप्ट लिखा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्क्रिप्ट लिख करके दिया था कि यहां नैरेटिव बनाओ कि करप्शन है, ब्लैक मनी है, और ब्लैक मनी को बंद करो, डीमोनेटाइज करो, और जब डीमोनेटाइज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। और डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे स्मार्ट सिटीज, आपने नाम सुना ना, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। स्मार्ट सिटीज क्या था, जगह जगह कैमरे लगेंगे, सर्वेलांस होगा, डेटा आएगा, और ये सारा डेटा अपने आका रॉकफेलर को भेजेंगे, अपने आका मिलिंडा गेट्स को भेजेंगे, अपने आका रॉथशील्ड को भेजेंगे। स्मार्ट सिटी का तांडव किया गया, स्मार्ट सिटी लगा दो। और हमारा जो ये पढ़ा लिखा इलीट है, वो समझता है कि हमको अच्छी सड़कें मिल जाएंगी, अच्छा ड्रेन मिल जाएगा, पार्क मिलेगा, कैमरे लग जाएंगे, तो ये चोरी चकारी होती है वो बंद हो जाएगी, डाका बंद हो जाएगा, हत्या बलात्कार बंद हो जाएगा। कुछ बंद नहीं हुआ, दिल्ली की सड़कें इसका 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 सबूत है कि सारे कैमरे लगने के बाद भी अपराध में कोई कमी नहीं आई, अपराध बढ़ता ही जा रहा है। असल में अपराध को कम करना एजेंडा है ही नहीं, एजेंडा तो है कि आपको नियंत्रण कैसे किया जाए, सर्विलांस में लाया जाए, और इसके लिए इन्होंने तरीके बनाए हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ और टेक्नोलॉजी, ये तीनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है। और इसमें ये सारे लोग आकर के, जिसमें ये कोविड रिस्पॉन्स, अब देखिए ये ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हेल्थ केयर एक्सेस इंश्योरेंस ट्रीटमेंट मॉनिटर्ड हेल्थ एडवाइसेस हेल्थ डिवाइसेस एंड वियरेबल्स स्मार्ट सिटीज टेलीकम्युनिकेशन ई गवर्नमेंट सोशल प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स ये ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स ट्रेवल एंड मोबिलिटी फूड एंड सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल सर्विसेस और इस सबको मिलाकर के ये बनाया डिजिटल आइडेंटिटी Entities, devices, people, things, ये जो है ये डिजिटल आइडेंटिटी का ये पूरा ये तरीका बनाया गया। मतलब अब आपको, अभी तक तो आप सोच रहे थे कि रॉकफेलर WHO, रॉकफेलर वर्ल्ड बैंक, रॉकफेलर IMF, इसे ये क्या हम बोल रहे हैं, ये कोई रिश्ता है क्या? रिश्ता है।
बहुत गहरा रिश्ता है, और वो रिश्ता यह है कि दुनिया भर की सरकारें इनके सामने घुटने टेक चुकी हैं, पंगु हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, अल्पज्ञ हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सबके सब पंगु बन चुके हैं। और अब डिजिटल आइडेंटिटी की तरफ मामला जा रहा होगा। फिर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपको याद होगा ना कि कोविड के रिस्पॉन्स के लिए कितना जल्दी एक सेतु बन गया। कौन सा सेतु था वो? कौन सा सेतु था वो? सेतु बन गया, और उस वेबसाइट पर जाते ही आपको आपको मिलने लगता कि कितने कोविड के पेशेंट हैं, कहां पर हैं, कितने एरिया में हैं, कितने किलोमीटर में हैं, सारा डेटा आ जाता था, और डाटा फीड हो रहा था, रिस्पांस हो रहा था। और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे लव अग्रवाल टाइप के, वो बोल रहे थे हमारा कितना रिस्पांस अच्छा है, हम ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट तो करना एजेंडा था नहीं, क्योंकि चॉकलेट बेचना एजेंडा था, चॉकलेट इन्फ्यूज करेंगे फिर हम काम करेंगे। तो ये जो डिजिटल आइडेंटिटी की तरफ प्रीकर्सर उसको कहते हैं, वो प्रीकर्सर था, वो ट्रैक एंड टेस्ट का प्रीकर्सर था कि कैसे आगे फर्दर हम डिजिटल आइडेंटिटी लोगों को बांटेंगे। और डिजिटल आइडेंटिटी के बाद सोशल क्रेडिट स्कोर देंगे। अब आपको लगेगा कि सोशल क्रेडिट स्कोर की बात हम क्यों कर रहे हैं? अरे ये तो चाइना में हो रहा है चाइना में, यहां भी हो सकता है, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है सोशल क्रेडिट स्कोर। और सोशल क्रेडिट स्कोर रियलिटी हो सकती है, क्यों? क्योंकि आपको सिबिल स्कोर के बारे में तो पता होगा ना। सिबिल स्कोर क्या है? बैंकों में अगर बैंक ने आपका सिबिल क्रेडिट स्कोर लो कर दिया तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ये पहले से चल रहा है, ये चलाने वाले लोग रॉथशील्ड फैमिली, रॉकफेलर फाउंडेशन, गेट्स, मिलिंडा फाउंडेशन के लोग आज से 40-50 साल से इन सभी मुद्दों पर काम कर रहे हैं कि कैसे हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर को, टेक्नोलॉजी को अपने कब्जे में किया जाए और सरकार को बाजू में रख दिया जाए। दुनिया की सरकारों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण हमारा होगा।